गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे प्रश्नावली 15 प्रायिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम एक सवाल पहले कर चुके थे। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि दो बच्चे वाले 1500 परिवार का एक विवरण दिया गया है कि जिस परिवार में लड़कियों की संख्या जिसमें दो लड़कियां हैं ऐसे परिवार 475 थे, जिसमें एक लड़की है ऐसे परिवार 814 हैं, जिसमें एक भी लड़की नहीं है ऐसे परिवार 211 है। तो आपको एक ही परिवार में दो लड़कियां होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कोई लड़की न हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हुआ हमें इस सवाल में 3 हमें ज्ञात करना है, जिसके अंतर्गत से पहला हम देखते हैं कि एक ही परिवार में दो लड़कियां होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बराबर दो लड़कियां वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवार, अब दो लड़कियां वाले कितने परिवार थी 475 बटे 1500। अब इन्हें क्या करना है, काटना है, 5 से काटिए, किसी से काटिए, देखिए 5 से काट देते हैं, 5 नाम 45, 2 पचास 25, 5 3 15, फिर 5 से कट रहे 19, 5 6 30, आंसर आया 19/60। ये कौन सा आया, पहला सवाल आ गया कि एक ही परिवार में दो लड़कियां होने की प्रायिकता। अब अगर मान लीजिए मैं इसका सेकंड सवाल करता हूं तो देखिए, एक लड़की क्या लिखेंगे, एक परिवार में एक लड़की होने की प्रायिकता एक लड़की होने की प्रायिकता बराबर एक लड़की, देखिए क्या लिख रखा है, दो लड़कियों वाले परिवार की संख्या थी तो एक लड़की वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवार। अब देखिए एक लड़की वाले परिवार, अब एक लड़की वाले कितने थे 814 बटे 1500, वही इसको भी काटेंगे। अब ये किससे कट रहा है, देखो 200 तो कट ही रहा है, ये कम से कम 2 4 8 0, क्योंकि एक भाग नहीं गया, भाग टूट गया किसी ऊपर, 2 7 14 दो पर अभी आगे नहीं कट रहा, तो यही हमारे आंसर आ गए, कितने हो गए, 2 सवाल हो गए। अब कौन सा लेंगे इसमें थर्ड सवाल, तो देखिए थर्ड सवाल लेते हैं इसका। अब इसका थर्ड सवाल क्या है, कोई लड़की न हो, एक परिवार में एक लड़की होने की प्रायिकता था, इसमें परिवार में कोई लड़की न हो न होने की प्रायिकता
क्या होगी? लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवार इसका मतलब हुआ कितना? लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या, यानी जिसमें जीरो लड़कियां हों, 211 बटे 1500। अब ये संख्या किसी से नहीं कटती है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। आगे कहा गया है ये भी जांच कीजिए कि क्या इन सभी प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। तो जांच करने के लिए इन तीनों को हम जोड़ेंगे। पहली जो प्रायिकता आई थी 19/60, दूसरी जो आई थी 407/750, तीसरी जो आई थी 211/1500, इन सब का लेसे पह लेंगे 1500 आया। यहाँ पर कितना चढ़ा? 25, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। 25 को 19 से किया गुणा, कितना आया? 475। ये कितना आया? 814। ये कितना आया? 211। इन तीनों को जोड़िए, 475, 814 और 211, तीनों को जोड़ते हैं 1500/1500 क्या आया? 1। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न नंबर 2 था वो संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।